आप देख रहे सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा। अभी हम प्रेसिडेंट हाउस 37 गेट नंबर के सामने हैं और अभी यहां से हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के बाद। वो अभी अंदर गए हुए हैं मुलाकात करने के लिए। अभी हम सब मीडिया वालों से दिल्ली में उन्होंने बहुत ही मुखर और प्रखर तरीके से बातचीत की, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। CNT SPD एक्ट का पत्थलगड़ी में बेगुनाहों को, जो उन्होंने जो उनका पहला फैसला था कि बेगुनाहों को जेल से रिहा करना, उससे लेके झारखंड में जल जंगल और जमीन जो उनकी प्राथमिकता है उसमें अगर कोई उद्योग लगाना चाहे झारखंड में तो वो किसको समर्थन देंगे, ऐसे में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो झारखंड सरकार है वो जमीन के मालिकों के साथ तो है ही, साथ में जो उद्योग लगाना चाहते हैं झारखंड में वो उनका भी समर्थन करते हैं। झारखंड सरकार कभी भी विकास विरोधक नहीं होगी, हमेशा विकास को आगे करने के बारे में नियत रखेगी। तो ये इन सभी और साथ में CNT SPD एक्ट और इसके साथ साथ CAA NRC पे भी उन्होंने बहुत खुल के बात की और साफ तौर से बताया कि जिस सरकारी नीति से लोगों की हत्या हो रही है या फिर लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसी नीतियों को वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस पे वो अपने जो सरकारी कैबिनेट बनेगी उनमें वो विचार विमर्श करने के बाद ही राज्य में से लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए इस पे वो विचार करेंगे। अपने CM का शपथ लिया, तीन जो प्रमुख विवादास्पद मुद्दे थे पत्थलगड़ी CNP, उसने उसको समाप्त आपने किया। हाँ, हमने ये निर्णय लिया है और विगत 5 सालों में जिन चीजों से लोग बहुत ज्यादा पैनिक रहे हैं, जिसमें लोगों में काफी आक्रोश रहा है, काफी लोग परेशान रहे हैं, उन सब चीजों पर हम रिलुक कर रहे हैं। उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ेंगे और मुझे पता था इन सब चीजों में पत्थलगड़ी हो, CNT SPD का विषय हो, जब सरकार ने ये इसे वापस ले ही लिया है तो फिर इतने हजारों हजार लोगों के ऊपर FIR और केसेस का क्या मतलब बनता है। जब आपने अपनी गलतियां मान ली हैं तो बेगुनाह को भी आपको माफ करना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। तो आज हमने ये निर्णय लिया है और ऐसे कई चीजें हैं जिसको हमको अभी और गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अब चूंकि पूर्व में जिस तरीके से चीजें ली गई थी, अब नहीं, अब यह जनभावना के साथ सरकार चलेगी और जिससे लोगों का, झारखंड का और वहां के सामाजिक समरसता, वहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल कहा जाए कि एक अपना मतलब लोगों की खुशी से चीजें आगे बढ़ाई जाए, ये हमारा लक्ष्य। सर, इस बार का जो दिल्ली दौरा, इसके बारे में जानना चाहेंगे किन से किन से आप मिलने वाले हैं? देखिए, आज हम इस देश के संविधान के रक्षक हमारे राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात करेंगे और पूर्व राष्ट्रपति महोदय हमारे जो रहे हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात करने का हमने टाइम मांगा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साहब से भी हमारी मुलाकात है करने का समय है और उसके बाद कुछ अपने सहयोगी साथी हैं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है क्या कल? हाँ, मिलने का कार्यक्रम हमारी इच्छा है और चूंकि व्यस्तता कार्यक्रम की वजह से समय नहीं ये हो पा रहा है। शायद प्रधानमंत्री जी को भी हमने वहाँ पर भी अपना ये रिक्वेस्ट डाला था और शायद अभी उनकी व्यस्तता है और हमारा सरकार भी अब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होना है और हाउस भी हम लोगों ने कॉल कर दिया है और इसके बाद हम सभी लगभग केंद्र और राज्य की तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसको हम लोग जोड़ने का पूरा।
प्रयास करेंगे कि हर स्तर से हम लोग जुड़े रहें और राज्य को आगे ले जाने का काम करें। आपके जो कैबिनेट में कब तक बढ़ोतरी आप करेंगे मंत्रियों का? बस जल्दी ही करेंगे, अब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारी चीजें, उन सब चीजों को करने के बाद सब लोग मिलकर के हम लोग तय कर लेंगे कि किस तरीके से कब कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेंगे हम लोग। देश के सबसे बड़े मुद्दे सर अभी चल रहे हैं पूरे देश में, कहें तो दिल्ली केंद्र बना हुआ है CAA, NRC, NPR, इस पे सर आपका क्या कहना है झारखंड के CM बतौर पर? देखिए अभी तो राज्य के सरकार के स्तर पर इस विषय पर कोई चर्चा हुआ नहीं है, लेकिन इस विषय पर जो देश में जंग छिड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, और कई लोग इस विषय को लेकर के सड़कों पर, कई वर्ग, कई समाज उतरे पड़े हैं, कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं जहां तक मुझे जानकारी है, और ये बहुत दुखद बात है कि ऐसे नीतियों से लोगों की जान जाए, सरकार की नीतियों से अगर लोगों की जान जाए तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें हर किसी को सोचने की आवश्यकता है, और हम भी इस विषय पर चिंतन मंथन करेंगे, तत्पश्चात ही चीजों को आगे बढ़ाई जाएगी। हमने पहले भी कहा है कि जिससे हमारे राज्य में अगर कोई कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अराजकता की हालत होगी, तो ऐसे स्थिति पर चीजों को कैसे ये किया जा सकता है, तो अभी स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास आधिकारिक रूप से दस्तावेज भी हमारे टेबल पे नहीं आया है, और इसको हम निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से इसको हमने लिया है, इसको हम लोग देखेंगे, उसके पश्चात ही आगे बढ़ेंगे। हेमंत जी, जो मुद्दे थे आपके जो चुनावी दौरान में, जल जंगल जमीन, आदिवासियों का जो निजी हितों का मामला है, उनकी जमीनों पर कई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, MNC कंपनियां, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोल रखी है, इसको लेकर के आपका क्या, सरकार पुराने सरकार की तरह फिर आगे बढ़ाएंगे या फिर इसका कुछ बातचीत? हम विकास विरोधी हम लोग नहीं है, ना झारखंड का लोग कभी विकास विरोधी रहा है, ना वहां का कायदे कानून विरोधी रहा है। कई लोगों ने इस बात को बहुत गलत इंटरप्रेट किया, और मुझे बहुत दुख है कभी कभी लोगों ने, मैं कुछ लोगों की जुबान से सुनता हूँ, मुझे कुछ खबरें आती है, झारखंड का जो लोगों ने एक चेहरा बनाया है पूरे देश के पैमाने पर, बड़ा विचित्र बनाया है, कि जबकि ऐसा कभी रहा नहीं, उद्योग विरोधी कभी झारखंड रहा नहीं। आपको मालूम होगा कि देश के सबसे बड़े बड़े उद्योग, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, एशिया के बिगेस्ट इंडस्ट्री हमारे राज्य में ही लगे। इस देश का जो मदर फैक्ट्री है वो भी हमारे ही राज्य में रहा। इस देश का सबसे पहले जो फर्टिलाइजर कंपनी थी वो भी हमारे ही राज्य में लगे, तो कैसे वहां के लोग या वहां के कानून विकास विरोधी रहा है? और हमारा बिल्कुल, हाँ ये बात जरूर है कि पूर्व के अनुभव हमारे उस राज्य के लोगों को बहुत उसका फलाफल मिल पाया है, ऐसा अभी भी बहुत सवाल है, और इसको लेकर के थोड़े से लोग आज, चूंकि आज पॉपुलेशन बढ़ा है, जनरेशन नई आई है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, किसी भी उद्योग घराने से होती है, और हमने ये तय किया है कि आने वाला समय में समग्र विकास के लिए उद्योग की भी आवश्यकता है, इसके लिए वहां के जो हमारे जमीन मालिक है उसको भी सरकार संरक्षण देगी, और जो उद्योग घराने हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी संरक्षण देने का काम सरकार करेगी। हेमंत जी, एक आखिरी सवाल, कि आपके सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है फंड का, और जिस तरीके से फंड खाली हुआ है राज्य में, कैसे ये, मतलब आप लोग भी मानते हैं कि हमारा राज्य अभी खाली हुआ पड़ा है पूरा है? कोई बात नहीं, अब इसको भी भरा जाएगा, हमें भी इसका आकलन है, हम इसके लिए पूरी सरकार की रिव्यू मीटिंग लेंगे, एक श्वेत पत्र भी जारी करेंगे आप लोग के समक्ष कि हमारी स्थिति क्या है, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चीजों को बदल रहे हैं, और बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखेगा फंड की भी
अब चूंकि थोड़ी सी एक समस्या जरूर है कि जीएसटी आने के बाद देश में राज्यों के संसाधन जुटाने की जो क्षमता है वो बड़े पैमाने में घट गई है। इसमें निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि केंद्र सरकार के साथ हम लोग तालमेल बनाएंगे और केंद्र सरकार इसमें निश्चित रूप से हमारे उस पिछड़े राज्य को सहयोग करेगी, ये हम उम्मीद करेंगे। और इसके लिए हमें समय समय पर निश्चित रूप से देश की राजधानी में हमारे जो कोऑर्डिनेशन करते लोग हैं उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने बहुत ही साफ तौर पे ये कहा है कि हाँ, झारखंड सरकार के पास अभी बेशक फंड एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पे भी एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा और साथ में रिव्यू किया जाएगा कि ऐसे में झारखंड में क्या किया जाए। फिलहाल हम अभी प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़े हैं, हेमंत सोरेन अंदर गए, अभी कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे, इसके बाद वो प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने जाएंगे और इसके बाद वो सीधा अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से भेंट करने जाएंगे और एक जस्टर मीटिंग के थ्रू थैंक यू कहने जाएंगे। चूंकि आम आदमी पार्टी के तरफ से संजय सिंह जो है वो गए थे शपथ समारोह में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन के साथ में, बहुत बधाई दी थी और हेमंत सरकार को बहुत सारा बेस्ट विशेष भी दिया था। बने हुए सिटी पोस्ट या सिटी पोस्ट हर खबर आप तक दिखाता रहेगा। कौन हेलो